नैब ने शहबाज शरीफ को पूछताछ के लिए बुलाकर कोई बुरा नहीं किया क्योंकि उन्होंने करप्शन की खाई गाजरों का इलाज करना है। जाली लीडर बनने का ढोंग रचाने वाले अब जरूरत का मुजाहरा करें। वजीरे इत्तलाफ पंजाब फयाजुल हसन चौहान की नून लीगी कायद पर तनकीद, मोदी सरकार पर भी तनकीद की। बोले सेकुलर भारत का दावा बेनकाब हो चुका, भारतीय मुसलमानों के साथ गैर मुनासिब रवैया इख्तियार किया जा रहा है। नैब ने अगर पूछ लिया कि जनाब आप हमें ये बताएं कि आपकी जो विरासत के अंदर प्रॉपर्टी मिली है उसके कोई हिसाब किताब दे दें, तो मेरा ख्याल कोई बुरा नहीं किया। अब पिछली दो पेशियों में ये कोरोना वायरस की पतली गली में भाग गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं भागेंगे। ये जिस गलतफहमी का शिकार होके बाहर से भागे भागे आए थे, इनकी वो गलतफहमी दूर हो चुकी है, इनके होश ठिकाने आ गए हैं। ये अहमकों की जन्नत में रूलों की बहिश्त में रहते हुए वहां से आए थे वापस। हम यहाँ पर मोदी की कोई आरएसएस की और बीजेपी के तर्ज की कोई नेगेटिव एक्टिविटी कि हमने अगर राशन तकसीम करना है तो मजहब को देख के करें, अगर हमने रिलीफ पैकेज देना है तो मजहब को देख के करें, अगर हमने किसी को फैसिलिटेट करना है तो मजहब को देख के करें, अगर हमने किसी को इज्जत देनी है तो मजहब को देख के करें, अगर हमने किसी को वकार देना है तो मजहब को देख के करें, अगर हमने किसी को अहमियत देनी है तो मजहब और अकीदा देख के या जात पात देख के करें। इंसान की अहमियत है, जो इंसान है उसकी इज्जत और वकार अगर वो किसी मजबूरी के अंदर है तो इंसान को इंसान के तौर पे देखना चाहिए, उसको किसी मजहब के तनाजुर में, किसी फिरके के तनाजुर में, किसी अकीदे के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। आज उसके मुंह पे तमांचे उनकी अपनी हरकतों की वजह से पड़ रहे हैं कि FATF की पाबंदियां इंडिया के ऊपर लगनी चाहिए। इंडिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया के अंदर जुल्म और जबर है, इंडिया के अंदर छोटी सोच है, इंडिया के अंदर करोड़ों आवाम की जो कम्युनिटी है उनको खाने पीने से लेके उनके मजहबी अकायद को अदा करने के हवाले से जो जो घटिया और नीच किस्म की जनाब हरकत और सकनात पूरी दुनिया के सामने आ रही है, आज पूरी दुनिया उसके हवाले से उनके ऊपर थू थू भी कर रही है।